आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मुरादाबाद पहुंचे रामविलास वेदांती ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे मामले को अदालत में लटकाने का काम कर रही है। वहीं अयोध्या में उद्धव ठाकरे की एंट्री पर रामविलास वेदांती ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों का राम मंदिर निर्माण में स्वागत है, लेकिन शिवसेना हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इस समय देश की जनता को साथ में लेकर के न्यायालय को देश की जनता को बताना चाहते हैं कि देश की जनता मंदिर निर्माण चाहती है। देश का 80% मुसलमान मंदिर चाहता है, और इसीलिए सिया बबोर्ड के लोग, सुन्नी बबोर्ड के लोग हमसे मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि आपसी समझौते के आधार पर, सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए। शिवसेना के भी 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता, शिवसेना के लोग भी इसमें आ रहे हैं। अच्छा है, राम जन्मभूमि के समर्थन में जो भी आए हम उसका स्वागत करते हैं, ये अच्छा काम है। शिवसेना आ रही है, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस भी आ जाए, सपा भी आ जाए, बसपा भी आ जाए, ममता बनर्जी भी आ जाए, चंद्रबाबू नायडू भी आ जाए, देश के सभी नेता आ जाएं। रामलला का मंदिर, रामलला कोई विश्वहिंदू परिषद की नहीं है, रामलला कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नहीं, रामलला केवल वेदांति की नहीं है, रामलला तो संपूर्ण जनमानस के हैं, संपूर्ण समाज के हैं, हर वर्ग के हैं। राम की पूजा मुसलमान भी करता है, हिंदू भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है। इसलिए रामलला का मंदिर बनाने के लिए हर व्यक्ति को सामने आना चाहिए, और ये ऋषि सेना आई है तो बहुत अच्छा, हम उसका स्वागत करते हैं। शाहजहांपुर में हिंदू शंखनाद रैली के दौरान स्वामी यतीन्द्रानंद ने राम मंदिर के लिए हुंकार भरी। यहां उन्होंने कहा कि अगर 6 दिसंबर तक राम मंदिर मसले पर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो उनके गुरु सत्यानंद आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद में मत्था टेका था, अगर तब ही अयोध्या जाकर वो राम मंदिर का शिलान्यास कर देते तो अब तक राम मंदिर बन चुका होता। पहली बार लोगों का विश्वास पद्धति से थोड़ा डगमगाया है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की पृष्ठभूमि के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इस मुद्दे को आकर 3 मिनट में और आगे के लिए ऐसे धकेल दिया। तो अब एकमात्र रास्ता बचता है कि देश की संसद में बिल लाया जाए और कानून बनाया जाए, और कानून के अनुसार ही उस स्थल पर भगवान राम की जो पवित्र जन्म स्थली है वहाँ राम का मंदिर निर्माण कराया जाए। कानून ही एकमात्र रास्ता है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस की माने तो पकड़े गए बदमाश पर लूट और डकैती जैसे मामले दर्ज हैं। फिलहाल फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। आगरा के बरौली अहीर में बने एक टेंट के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ काला गुबार छा गया। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। करीब 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया था। बदायूं के उछानी कछला नगर पंचायत के एक गांव में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग में युवक घायल हो गया था, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं एहतियातन गांव में भारी फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महराजगंज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस की माने तो बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। प्रयागराज में कुंभ के पहले स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। ये रैली आजाद पार्क से सिविल लाइन स्थित सुभाष चौराहे तक निकाली गई। प्रयागराज में तेज रफ्तार डंपर ने युवक को रौंद दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने डंपर चालक को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर पीटने का प्रयास किया। किसी तरह पुलिस आरोपी को थाने लेकर गई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। राजधानी लखनऊ में अवैध नर्सिंग होम धड़ल्ले से चल रहे हैं। पारा थाना क्षेत्र में भी वंदना नर्सिंग होम अवैध रूप से चलाया जा रहा है। पैसों के रसूख के चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और जमकर ये अवैध नर्सिंग होम मरीजों से पैसा ऐंठते हैं।
अभी आप जानकारी में आया है आपके द्वारा, मैं उसकी जांच करा के देख लेता हूँ जी। उसके अगर जांच में कुछ अनियमितता पाई जाती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। धान की फसल कटने के बाद नवंबर के आखिर तक गेहूं की खेती शुरू होती है, लिहाजा किसानों को बीज और खाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिसके बाद एसडीएम सदर और कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम ने नौगढ़ तहसील में मौजूद खाद की 21 दुकानों पर छापा मारा, जहां 11 दुकानों में अनियमितता पाई गई जबकि 3 दुकानों को सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई से कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। औरैया की ग्राम पंचायत बेला के मंडी रोड पर जल भराव के कारण लोगों को बस्ती के अंदर जाने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रधान से कई बार कहा गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण अब धरने पर बैठने की बात कह रहे हैं। मेरठ के थाना सदर बाजार इलाके के सोतीगंज मार्केट में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए पिस्टल समेत एक अन्य पिस्टल और बाइक बरामद की है। गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान एक महिला चोर ने लाखों के जेवर और कैश पर हाथ साफ कर दिया। नकदी और जेवर मिलाकर कुल चोरी 20 लाख रुपए की बताई जा रही है। वहीं महिला चोर सीसीटीवी में कैद हो गई, बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। दादरी पुलिस ने 3 लग्जरी कारों से 8 लाख रुपए की शराब बरामद की, साथ ही 5 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 6 किलो गांजा बरामद किया है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।